हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं DPS टाटा मोटर्स के सर्विस, जो कि सबसे बड़ा सर्विस सेंटर बता रही है टाटा अपना। तो वहाँ का क्या सर्विस एक्सपीरियंस रहेगा वो सब मैं आप तक आज शेयर करूँगा। तो गाइस, काफ़ी टाइम से अपनी सर्विस पेंडिंग भी थी और ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है DPS करके। तो इनके मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आपकी सर्विस जो है आप कब कराओगे कब कराओगे। तो मैं सोचा क्यों ना आप करा ही लें, तो फिर आज निकल गए हैं। एक तो यार ये रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है ना, बुरा हाल है यार सड़कों का, क्या करें। ऐसे गाइस, अपनी नेक्सॉन की ये जो है सेकंड मेजर सर्विस है, सेकंड मेजर, और इन टोटल आई गेस फोर्थ या फिफ्थ सर्विस है। और 2 साल के आसपास हो गया, अपनी कार को 22,000 किलोमीटर चल गई है। तो सही है, वैसे तो 2 सालों में ऐसी कोई मेरे को ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया गाड़ी है, सही चल रही है। थोड़ा बहुत है जिनको बिल्कुल ही नॉइस नहीं चाहिए इंजन में, रिफाइनमेंट एकदम टॉप नॉच चाहिए, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ठीक है यार, मतलब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, सही चल रही है। पंद्रह 20 मिनट की ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे झिलमिल। देखो लिखा भी हुआ है बिगेस्ट टाटा मोटर्स कार वर्कशॉप इन इंडिया। तो अंदर जाते हैं, है ना, मैं बताता हूँ बाकी, स्टे ट्यून। तो वैसे तो यार ये वीडियो बनाने के लिए मना ही करते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने यार थोड़ा सा बहाना वहाना लगा के कुछ बोल बाल के वीडियो से बना ली थोड़ी बहुत जितनी बना सका। तो देख सकते हो आप, ऐसा है काफ़ी सारे मतलब वर्क स्टेशन ज़्यादा है यहाँ पर, तो सही है ज़्यादा गाड़ियों पर एक साथ काम हो सकता है। गाइस फिलहाल अपनी कार अंदर चली गई है और सर्विस सेंटर में दे दिया था। क्या चीज़ से आप बच सकते हैं, मतलब थोड़ा ना यार लूट रहे हैं। एक तो पहले जो मैं बता रहा था ना वीडियो में पहले आपको स्टार्टिंग में कि मैसेज आ रहे हैं जिसमें ऑफर दे रहे हैं, तो मैंने उनके सर्विस एडवाइजर से बात करी, तो वो कह रहे कि जी ऑफर जो है ना उन लोगों के लिए जिनकी सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है और ताकि वो आए और विजिट कर लें, तो उन लोगों के लिए ऑफर है। भाई ये क्या बात हुई, पहले तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इनका ये। दूसरी बात भाई, मैं आपको बाइफिकेशन दिखाता हूँ अपने सर्विस चार्ट की, तो उसमें देखो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो आप लोगों को भी हटवा देनी चाहिए, ऐसी कोई उसकी नीड नहीं होती, तो मैं दिखाता हूँ। तो वाइज ये है देखो बाइफर्केशन, जैसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर जो 1900 रुपये का इनके लेबर चार्जेस है, बाकी इंजन ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर वगैरह ये सब है। तो इसमें देखो कुछ चीज़ मैंने कटवाई थी, जैसे कि एसी वेंट की क्लीनिंग, भाई मेरे को नीड नहीं थी अब एसी वेंट की क्लीनिंग की, तो मुझे मेरा फ्रेंड गया था साथ में, उसने सजेस्ट भी करा कि भाई इसकी ऐसा कोई नीड नहीं होती, तो ये जो 7 नंबर पे है ये मैंने कट करवाया। और दूसरा एग्जॉस्ट सिस्टम क्लीनिंग था, तो इसके बारे में पूछा तो भाई बोल रहे थे कि कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज वो साफ़ होगा बस। तो पहले तो मुझे लगा भाई कि पूरा कुछ एग्जॉस्ट वगैरह साफ़ करेंगे अच्छे से, तो जब पूछा तो उन्होंने बोला सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर चेंज होगा साफ़ होगा, तो ऐसा उसकी भी नीड नहीं लगी, तो ये कटवा दिया था। बाकी व्हील बैलेंसिंग और ये भी, इसका मेरे पे कूपन पड़ा हुआ था इंश्योरेंस में फ्री मिला था, तो वो करवा दिया है। तो देखो ये चार्जेस आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा बचा सकते हो अपने, टोटल बिल मेरा ये जो इंक्लूडिंग था ये 9,701 प्लस GST था, अब जो भी बनेगा मैं बताऊंगा। तो गाड़ी लेके भाई मैं आ गया था अपनी सर्विस सेंटर से, और 11:30 बजे के आसपास मैं एंट्री मतलब वहाँ पे दी थी सर्विस स्टेशन पे मैंने गाड़ी दी थी, और 5:30 बजे एग्जैक्ट 5:30 बजे मैं पहुंचा और वहाँ पे मेरे को गाड़ी मिली है 5:30 बजे। तो देख लो भाई 6 घंटे का आसपास आपको यहाँ पे भी टाइम लग रहा है। वैसे मैं ऑल ओवर बात करूँ तो हॉस्पिटैलिटी वगैरह तो सब ठीक थी, आपको चाय कॉफ़ी पानी के लिए बार बार पूछते रहेंगे, और ठीक है मेरे को बाकी सब ठीक लगा, बस थोड़ी सी यही कमी थी, बाकी ऑल ओवर ठीक है एक्सपीरियंस था मेरा। और मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि किस तरह से कितने कितने का मेरा खर्चा हुआ है और क्या क्या उसमें पूरी कॉस्टिंग आई है ना। तो ये अपनी फाइनल जो बिल बना है ये है, और इसमें बाइफरकेट कर रखा है आप देख सकते हैं, पॉज करके आराम से देख लेना। और जो टोटल खर्चा हुआ है सर्विस में वो ये अमाउंट है, ये 8,313 का।
तो देख सकते हैं आप, कोई सी भी कुछ भी पूछना हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना सभी को। मिलते हैं किसी अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।